ड्रैगन बॉल हम में से बहुत का फेवरेट एनिमे है और वो पूरे एनिमे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट एनिमेस में से एक है। और बहुत सारे एनिमेस भी हैं जो कि बिल्कुल ड्रैगन बॉल से इंस्पायर हैं। ड्रैगन बॉल सबसे ग्रेटेस्ट और सबसे अच्छे एनिमेस में से एक है और हम लोगों का फेवरेट भी है। लेकिन इसी की तरह बहुत सारे एनिमेस हैं जो कि बिल्कुल इसी की तरह हैं और इसके लेवल पर हैं, जिनमें बिल्कुल ड्रैगन बॉल जैसी फाइट्स होती हैं और स्टोरी के मामले में वो कभी कभी ड्रैगन बॉल से ही बेहतर होते हैं। ड्रैगन बॉल सबसे ओल्डेस्ट और सबसे क्लासिक एनिमेस में से एक है और इसलिए आज मैं तुम्हें टॉप 10 एनिमे दिखाने वाला हूँ जो कि बिल्कुल ड्रैगन बॉल की तरह है और ड्रैगन बॉल से इंस्पायर्ड है। अगर तुमने ये एनिमे नहीं देखे हैं तो तुम्हें ये जरूर देखने चाहिए। और ये सारे के सारे एनिमे मैंने देखे हुए हैं और इसलिए मैंने टॉप 10 लिस्ट बनाई है। तो अगर तुम्हें ड्रैगन बॉल पसंद है तो इन एनिमे को देखना बिल्कुल मत भूलना। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर तुमने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक भी कर देना। सो लेट्स गो। नंबर 10, माई हीरो एकेडेमिया। माई हीरो एकेडेमिया एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे सबके पास क्वर्क्स होते हैं, जिसका मतलब सबके पास अलग अलग सुपर पावर्स होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी हो सकती हैं या बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर। और इसी में हमारा मेन हीरो होता है इज़ुको मिडोरिया, जिसके पास सरप्राइजिंगली कोई भी क्वर्क नहीं है। लेकिन उसको एक दिन नंबर 1 हीरो मिल जाता है जो कि उसको अपनी पावर दे देता है, जिससे मिडोरिया के पास दुनिया का सबसे खतरनाक क्वर्क आ जाता है और वो होता है वन फॉर ऑल। और इसी क्वर्क की मदद से वो अपने सपने को पूरा करेगा और उसका सपना है कि वो दुनिया का नंबर 1 हीरो बन जाए। इस शो के अंदर सबके पास क्वर्क्स होते हैं और इस शो के अंदर बहुत ज़्यादा फाइट्स होती हैं और इसमें टोटल 6 सीजन्स हैं और अगला सीजन आने वाला है जो कि होने वाला है सीजन 7। यह एनिमे मेरे फेवरेट एनिमे में से एक है और इसके अंदर ऐसे मोमेंट्स होते हैं जिनको भूलना बिल्कुल नामुमकिन है। तुम लोगों में से बहुत से लोगों ने ये देखा भी होगा, लेकिन अगर तुम में से किसी ने नहीं देखा तो तुम इसको जाकर देख सकते हो। और इसके अंदर सिर्फ 113 एपिसोड्स हैं और साथ ही साथ ये हिंदी डब में भी अवेलेबल है, तो तुम इसको जाकर देख सकते हो। नंबर 9, डीमन स्लेयर। डीमन स्लेयर की दुनिया के अंदर डीमन्स होते हैं जो कि इंसानों को मारते हैं और बहुत ही खतरनाक होते हैं, और ये सिर्फ रात को ही आते हैं और अगर सूरज के अंदर आए तो वो मारे जाएंगे। और इनको मारने वाले होते हैं, तुम सही समझे, डीमन स्लेयर्स, जो कि इन डीमन्स को मारते हैं और इनको ख़त्म करने चाहते हैं। और इसी में हमारा मेन हीरो होता है तांजिरो, और एक डीमन की वजह से उसकी पूरी फैमिली मारी गई और सिर्फ उसकी बहन बची नेज़ुको, और अब वो भी डीमन बन चुकी है। तो तांजिरो एक डीमन स्लेयर बन जाता है ताकि वो अपनी बहन को ठीक कर सके और उसको डीमन से वापस से एक ह्यूमन बना सके। इस एनिमी के अंदर भी बहुत ज़्यादा फाइटिंग होती है और इस एनिमी का एक मोमेंट मैं कभी नहीं भूलने वाला। इसके अंदर बहुत ज़्यादा फाइटिंग है और इसकी स्टोरी बिल्कुल सिंपल है, तो अगर तुम्हें ड्रैगन बॉल पसंद है तो तुम्हें ये बिल्कुल पसंद आएगा। इसमें सब लोग अपनी तलवार से लड़ते हैं और सबके पास अलग अलग टेक्निक्स होती हैं जिनको वो ब्रीदिंग स्टाइल बोलते हैं। और तुम में से बहुत ने ये एनिमे देखा भी होगा, और अगर तुमने ये नहीं देखा है तो तुम इसको जाकर देख सकते हो। इसके अंदर सिर्फ 3 सीजन है और इसके एनिमेशन बहुत ही ज़्यादा कमाल की है, मतलब बिल्कुल मूवी जैसी। तो अगर तुमने ये नहीं देखा है तो तुम्हें ये ज़रूर देखना चाहिए। नंबर 8, नारुतो। ये नाम तो तुमने सुना ही होगा। नारुतो के वर्ल्ड के अंदर निंजास होते हैं और हमारा मेन हीरो नारुतो होकागे बनना चाहता है और सबसे स्ट्रांगेस्ट निंजा बनना चाहता है। नारुतो के अंदर एक डीमन टेल बीस्ट होता है जिसका नाम होता है 9 टेल्स, और इसकी वजह से कोई भी उसके पास नहीं आता और सब उससे दूर रहते हैं। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी वो बुरा नहीं बनता और अच्छाई का साथी देता है, और इसलिए वो बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करता है ताकि वो होकागे बन सके। इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा फाइटिंग होती है और तुमने ये एनिमे ज़रूर देखा होगा। ये बिल्कुल ड्रैगन बॉल की तरह है और इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल ड्रैगन बॉल के सिमिलर हैं। इसकी बस एक बात मुझे पसंद नहीं है और वो है इसके फिलर्स, मतलब इतने ज़्यादा बेकार एपिसोड्स कोई क्यों देखेगा। तो तुम इन फिलर्स एपिसोड को ज़रूर स्किप कर देना, वरना तुम्हें बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। बाकी नारुतो हिंदी डब में भी अवेलेबल है, तो अगर तुमने इसको नहीं देखा है तो इसको जाकर ज़रूर देखना, क्योंकि तुम एक बहुत अच्छी स्टोरी को मिस कर दोगे अगर तुमने ये नहीं देखा तो। नंबर 7, अटैक ऑन टाइटन। ये बहुत ही पॉपुलर एनिमे है और शायद तुमने देखा भी हो, लेकिन अगर तुमने नहीं देखा है तो मैं तुम्हें बता दूं तो अटैक ऑन टाइटन की दुनिया के अंदर बहुत सारे टाइटन्स होते हैं जो कि इंसानों को खाते हैं और उनको मार देते हैं, और इंसान बड़ी बड़ी दीवारों के बीच में रह रहे होते हैं। और इसी में हमारा मेन कैरेक्टर एरन इन दीवारों के बाहर जाना चाहता है, लेकिन एक दिन वो टाइटन्स दीवार तोड़ के अंदर आ जाते हैं और उसकी माँ को उसकी आंखों के सामने मार देते हैं, और इसी की वजह से वो सारे टाइटन्स को मारना चाहता है और उनको ख़त्म करना चाहता है ताकि वो अपनी माँ का बदला ले सके। ये एनिमे बहुत ही पॉपुलर है और ये बहुत सारे लोगों का फेवरेट एनिमे भी है। कुछ लोग इस एनिमे को एनिमे ऑफ द डेकेड भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी स्टोरी इतनी अच्छी है। इसके अंदर बहुत सारे प्लॉट ट्विस्ट होते हैं और इसकी हर एक फाइट बहुत ही कमाल की होती है।
इसकी स्टोरी में इतने ट्विस्ट होते हैं कि तुम इसको देखकर ही हैरान हो जाओगे। और अगर तुमने ये नहीं देखा है तो तुम बहुत कुछ मिस कर रहे हो। इस एनिमे के अंदर फाइटिंग है, अच्छी स्टोरी है, अच्छी एनिमेशन है और वो सब कुछ है जो कि एक फाइटिंग एनिमे को चाहिए, बिल्कुल ड्रैगन बॉल की तरह। दूसरे एनिमे की स्टोरी बहुत सिंपल होती है लेकिन इसकी स्टोरी बहुत कॉम्प्लेक्स है और इसलिए ये सबसे बेस्ट स्टोरीज में से एक है। और इसलिए अगर तुमने अटैक ऑन टाइटन नहीं देखा है तो तुम्हें ये जरूर देखना चाहिए। नंबर 6, टोक्यो रिवेंजर्स। टोक्यो रिवेंजर्स की दुनिया के अंदर कोई भी सुपर पावर्स नहीं होती हैं, लेकिन ये तब भी एक फाइटिंग एनिमे है जो कि अपने मुक्को लातों से ही फाइट करते हैं। और इस स्टोरी का हीरो है और वो पास में जाता है ताकि फ्यूचर में जो भी गलत चीजें हैं वो सब सही हो जाएं। और इस एनिमे के अंदर बहुत सारी गैंग्स होती हैं और टाकेमिची भी एक गैंग को ज्वाइन करता है और उसका नाम होता है टोक्यो मांजी गैंग, जिसका लीडर होता है माइकी, जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है पूरे के पूरे टोक्यो रिवेंजर्स के अंदर। और इसी तरह ये गैंग दूसरी गैंग से लड़ती हैं, इनके दोस्तों के बीच लड़ाई होती है, अलग अलग गैंग्स इनसे लड़ने आती हैं और बहुत कुछ होता है। और इन सब के पीछे होता है एक ही कैरेक्टर जो कि सबसे इविल होता है और वो होता है किस्सा की, और टाकेमिची उसको ही रोकने के लिए आया है पास्ट के अंदर। ये एनिमे तुम्हें छपरी वाला लग रहा होगा लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और इसकी स्टोरी बहुत ही अच्छी है और अगर तुम ये देखोगे तो तुम्हें ये देखकर बहुत ही मजा आएगा। इसकी सिर्फ एक बात अच्छी नहीं है कि इसका मेन कैरेक्टर टाकेमिची बहुत ही कमजोर है और हर वक्त रोता रहता है, मगर इसी के साथ साथ इसमें बहुत सारे अच्छे कैरेक्टर्स हैं जो कि तुम्हें बहुत पसंद आएंगे। और टाइम ट्रैवल को छोड़कर इसमें कोई भी सुपर पावर्स नहीं है लेकिन अगर तुम्हें फाइटिंग देखनी है तो ये एनिमे बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसमें सब लोग बिना किसी सुपर पावर के लड़ रहे होते हैं। इसकी स्टोरी भी अच्छी है और अगर तुम्हें ड्रैगन बॉल पसंद है तो तुम्हें ये भी बहुत अच्छा लगेगा। और इसके सिर्फ 3 सीजन्स ये हैं और पहला सीजन तो यूट्यूब पर अवेलेबल भी है तो तुम इसको अभी जाकर देख सकते हो। नंबर 5, जुजुत्सु काइसन। जुजुत्सु काइसन की दुनिया के अंदर कर्सेस होती हैं जो कि लोगों की नेगेटिव एनर्जी से बनती हैं और ये बहुत ही इविल होती हैं और लोगों को मारती हैं, और इनको ख़त्म करने के लिए होते हैं जुजुत्सु सॉर्सरर्स, मतलब जादूगर, जो कि इनको अपनी कर्स्ड एनर्जी से ख़त्म करते हैं और इनका सफाया करते हैं। और यहीं पर हमारा मेन हीरो होता है जो कि पहले कोई जादूगर नहीं था लेकिन एक दिन वो एक उंगली खा लेता है जो कि होती है सुकुना की, और सुकुना पूरे जुजुत्सु काइसन के अंदर सबसे खतरनाक कर्स है। और जब इटारोरी उसकी उंगली को खा लेता है तो सुकुना उसके अंदर आ जाता है। उसी तरह सबसे ताकतवर जुजुत्सु सॉर्सरर है साटोरु गोजो। ये है अनंत काल, जो ये पूरी सीरीज के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है सुकुना के बाद। और सुकुना के पास 20 फिंगर्स थी जिनमें से एक इटाडोनी ने खा ली है, तो अब वो सारी फिंगर्स को ढूंढेंगे ताकि वो सुकुना को ख़त्म कर सकें। लेकिन बाद में चीज़ें बहुत बदल जाती हैं, बहुत सारी फाइटिंग होती है और बहुत कुछ बदल जाता है। इसकी स्टोरी बहुत ही अच्छी है और ये बहुत ही डार्क एनिमे है, मतलब किसी कैरेक्टर से लगाव मत लगाना क्योंकि तुम्हें पता नहीं है वो कब मर जाए। इस एनिमे का सीजन 1 मुझे खास नहीं लगा लेकिन बाद में जब मैंने सीजन 2 देखा तो इस एनिमे ने मेरा दिल जीत लिया। मकोरा को हराने का एक ही तरीका है कि उस पर लगातार हमले किए जाएं ताकि वो संभल ना पाए। इसकी एनिमेशन बहुत ही अच्छी होती है और इसकी स्टोरी और इसकी फाइटिंग सीन्स बहुत ही अच्छे होते हैं। इसको कुछ लोग नारुतो की कॉपी कहते हैं लेकिन जैसे नारुतो है ये उसके बिल्कुल अलग है। इसके फाइटिंग सीन्स खतरनाक होते हैं और इस एनिमे के अंदर कोई भी बात बुरी नहीं है, तो अगर तुम्हें ड्रैगन बॉल पसंद है तो तुम्हें ये एनिमे बिल्कुल देखना चाहिए और तुम्हें ये बहुत पसंद आएगा। और इसके सिर्फ 2 ही सीजन हैं और दूसरा सीजन अभी ख़त्म ही हुआ है कुछ वक्त पहले, तो तुमने शायद एनिमे देखा भी हो और इसलिए ये नंबर 5 पर है। नंबर 4, ब्लैक क्लोवर। ये एनिमे मेरा फेवरेट एनिमे है और ब्लैक क्लोवर के यूनिवर्स के अंदर जादू होता है और सब लोग जादू के साथ पैदा होते हैं, किसी के पास ज़्यादा होता है और किसी के पास कम। वही हमारा मेन कैरेक्टर होता है जिसके पास एक भी जादू नहीं है, मतलब 0, उसके पास कोई भी जादू पावर नहीं है और वो बिल्कुल कमज़ोर है। लेकिन इस सब के बावजूद वो विजर्ड किंग बनना चाहता है जिसका मतलब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जादूगर, लेकिन उसके पास कोई जादू तो नहीं है लेकिन वो इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग करता है कि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर बन जाता है। दूसरों के पास जादू हो लेकिन उसके पास मसल्स हैं और वो उनसे ही जीतता है। यानी मैं शुरुआत में तो कुछ खास नहीं होता है लेकिन आगे जाकर इसकी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाती है और ये एनिमे दूसरे एनिमे में से बहुत खास है। इसकी एनिमेशन कुछ खास नहीं है लेकिन जब कोई खतरनाक सीन होता है तो इसकी एनिमेशन बहुत ही अच्छी हो जाती है। और इसकी एनिमे ओपनिंग्स तो कोई भी नहीं भूल सकता। इस एनिमे के अंदर फाइटिंग है बिल्कुल ड्रैगन बॉल की तरह, इस एनिमे के अंदर खतरनाक मूवमेंट्स हैं बिल्कुल ड्रैगन बॉल की तरह, और इस एनिमे के अंदर सिंपल स्टोरी है बिल्कुल ड्रैगन बॉल की तरह।
शुरुआत में ब्लैक क्लोवर कुछ खास नहीं था, लेकिन बाद में चक्कर वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। और अगर तुमने ये नहीं देखा है तो मैं जरूर रेकमेंड करूंगा कि तुम ये देखो। इसके अंदर 170 एपिसोड्स हैं, तो तुम्हें अगर ड्रैगन बॉल पसंद है तो तुम्हें ये एनिमे जरूर देखना चाहिए। नंबर 3, हंटर हंटर। हंटर हंटर बिल्कुल ड्रैगन बॉल की तरह सबसे बेस्ट एनिमे में से एक है और इसकी स्टोरी का कोई भी जवाब नहीं है। हंटर हंटर की दुनिया बहुत ही खतरनाक है और इसमें हमारा मेन कैरेक्टर होता है गॉन, जो कि एक हंटर बनना चाहता है और अपने डैड को ढूंढना चाहता है जो कि खुद एक हंटर है। और गॉन एक छोटा बच्चा होते हुए भी एक हंटर बनना चाहता है और इसी जर्नी में उसको बहुत सारे दोस्त मिलते हैं और बहुत सारे दुश्मन भी। जैसे ड्रैगन बॉल के अंदर सबके पास की होती है, इसमें नैन होते हैं जो कि सबके पास होते हैं और उनको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है। सबके पास अलग अलग टाइप के नैन होते हैं, जैसे कोई इनहांसर है तो कोई मैनिपुलेटर, और इसी तरह सबके पास अलग अलग एबिलिटीज होती हैं जो कि उनको बहुत ही खतरनाक बना देती हैं या बहुत ही स्ट्रॉन्ग। ये स्टोरी बहुत सिंपल लगती है लेकिन बाद में जाकर ये बहुत ही अच्छी हो जाती है। ये एनिमे मेरा फेवरेट एनिमे में से एक है और हंटर हंटर ड्रैगन बॉल से ये बहुत इंस्पायर्ड है। इसके दो वर्जन हैं, 2011 वाला और 1990 वाला, और तुम्हें बस 2011 वाली देखनी जरूरत है। ये एनिमे बहुत ही अच्छा है, इसके फाइटिंग सीन्स बहुत ही अच्छे होते हैं, इसके अंदर बहुत अच्छी स्टोरी है और ये बिल्कुल ड्रैगन बॉल जैसे है। लेकिन मैं तो कहूंगा स्टोरी के मामले में ये ड्रैगन बॉल से ही बेहतर है। इसमें एक मेन कैरेक्टर नहीं है बल्कि चार हैं, गॉन, किलुआ, कुरापिका और लियोरियो। कुछ लोग इसको नारुतो का कॉपी कहते हैं लेकिन ये नारुतो से भी पहले आया था। तो तुमने ये एनिमे नहीं देखा है तो तुम बहुत कुछ मिस कर रहे हो, क्योंकि अगर तुमने ये नहीं देखा तो तुम्हें नहीं पता कि शोनन एनिमे कितने अच्छे हो सकते हैं। नंबर 2, सोलो लेवलिंग। ये नाम बहुत नया है और तुमने शायद सुना भी ना हो, क्योंकि ये अभी अभी आया है और इसके सिर्फ 2 ही एपिसोड्स हैं और ये हिंदी डब में भी है, तो तुम इसको जाकर क्रंची रोल पर देख सकते हो। सोलो लेवलिंग की दुनिया के अंदर मॉन्स्टर्स होते हैं जो कि दूसरी दुनिया से होते हैं और उस दुनिया का दरवाजा अर्थ पर होता है, और इनको मारने के लिए होते हैं हंटर्स जिनके पास जादू होता है। और अगर इन मॉन्स्टर्स को एक हफ्ते में नहीं मारा तो वो दूसरी दुनिया से हमारी दुनिया में आ जाएंगे, और इसलिए ये हंटर्स दूसरी दुनिया में जाते हैं और इनको वहीं पे मार देते हैं, और यहीं पर होता है हमारा मेन हीरो संग। और इसी तरह सब डीमंस की रैंकिंग होती है, सबसे खतरनाक वाला एस, फिर ए, बी, सी, डी और आखिर में ई। और इसी तरह हंटर्स की भी एक रैंकिंग होती है और वो होती है एस, ए, बी, सी, डी और ई, और हमारा मेन कैरेक्टर संग ई लेवल पर होता है। मतलब ई लेवल के अंदर भी वो सबसे कमजोर होता है और उसको पूरी दुनिया के अंदर सबसे कमजोर हंटर का नाम दे दिया है। लेकिन एक दफा वो एक मिशन पर होते हैं और उनको एक केव दिखती है जहां पर अंदर जाने की वजह से बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है, लेकिन आखिर में बहुत सारे लोग बच जाते हैं और वो सब होता है संघ की वजह से। मगर संघ केव के अंदर कुछ ढूंढता है जिससे उसके पास बहुत सी पावर्स आ जाती हैं और वो बहुत स्ट्रांग बन जाता है। ये उसके लिए बिल्कुल एक गेम जैसा बन जाता है। अगर वो मिशन करेगा तो उसको एक्सपीरियंस मिलेंगे जिनसे वो अपनी चीजें अपग्रेड कर सकता है, और इसी तरह वो लेवल अप करता जाता है, और इसलिए इस एनिमे का नाम है सोलो लेवलिंग। ये एनिमे मैंने पूरा नहीं देखा क्योंकि इसके लिटरली सिर्फ 2 ही एपिसोड्स हैं, लेकिन देख के लगता है कि इसके अंदर बहुत सी फाइट्स होंगी और हमारा मेन कैरेक्टर स्ट्रांग बनता ही जाएगा बिल्कुल गोकू की तरह। इसकी स्टोरी भी अच्छी है और इसकी एनिमेशन भी बढ़िया लग रही है। तो तुमने अगर ये नहीं देखा है तो तुम इसको जाकर जरूर देखो, और ये तो हिंदी डब में भी अवेलेबल है, तो जाओ और क्रंचीरोल पे जाके इसको देखो। और नंबर 1 से पहले अगर तुमने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना, और अगर तुमने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जरूर कर लेना। और नंबर 1 पे है ऑब्वियसली वन पंच मैन, हम इसको कैसे भूल सकते हैं। ये कहानी है सायतामा की, जो कि सबसे स्ट्रांगेस्ट है, मतलब उसके अलावा पूरे यूनिवर्स के अंदर कोई भी स्ट्रांगेस्ट नहीं है। और इस यूनिवर्स के अंदर होते हैं मॉन्स्टर्स और इनको मारने के लिए होते हैं हीरोज, और सब मॉन्स्टर्स की रैंकिंग भी होती है। जैसे सबसे कमजोर होता है वुल्फ, उसके बाद डीमन और सबसे खतरनाक होता है गॉड, और इसी तरह हीरोज की भी रैंकिंग होती है एस रैंक, ए रैंक, बी रैंक और सी रैंक, और सायतामा सरप्राइजिंगली सी रैंक के अंदर होता है, और कोई भी नहीं जानता कि वो कितना स्ट्रांग है। सबको लगता है कि वो एक नॉर्मल सी क्लास हीरो है, लेकिन वो सबसे स्ट्रांगेस्ट होता है, उसकी पावर का कोई भी मुकाबला नहीं है और वो किसी को भी एक ही पंच में खत्म कर सकता है। और इस एनिमे के अंदर बहुत खतरनाक फाइट्स भी होती हैं। तुम इसको ऐसा सोच सकते हो कि अगर गोकू पूरे मल्टीवर्स के अंदर सबसे स्ट्रांगेस्ट बन जाता तो क्या होता, और वो होता वन पंच मैन। और अगर तुमने ड्रैगन बॉल देखा है तो तुमने ये एनिमे देख ही लिया होगा। तो तुम्हारा फेवरेट एनिमे कौन सा है और तुम कौन सा रिकमेंड करोगे, और कोई एनिमे है जो मैंने छोड़ दिया हो तो नीचे कमेंट करके बताओ। इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना, और मैं तो तुम नेक्स्ट ड्रैगन बॉल वीडियो के अंदर।